सुधिया साहब हैं। सर, आप कह रहे हैं कि हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पुलिस कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने कोई शिकायत नहीं, इसलिए हमने 100 मोटर लेकर 2 सेक्शन में FIR दर्ज की है। आम आदमी पार्टी की शिकायत का इंतजार क्यों था दिल्ली पुलिस में? क्या दिल्ली पुलिस जानती नहीं कि क्राइम हुआ? क्या मुख्यमंत्री जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनकी सुरक्षा में दिल्ली पुलिस लगी हुई है? और सुरक्षा में मामला हुआ, सुरक्षा घेरा तोड़ के एक आदमी घुसा और उस पर अटैक किया, तो दिल्ली पुलिस के भी तो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, तो उसमें उसके ऊपर नहीं आरोप लगेगा क्या? क्या मुख्यमंत्री के ऊपर किसी भी हमले का, कल को मुख्यमंत्री की हत्या कर दे तो पुलिस कहेगी कि हम तो जब तक कंप्लेंट नहीं आएगी हम तो शिकायत हमको मानेंगे नहीं कि मर्डर हुआ, ये तो गलत बात है। सर, आगे आपका क्या स्टैंड है इसके? हम लोग इसमें कंप्लेंट करेंगे जाकर, हम लोगों ने कल संजय सिंह जी हमारे साथ वो जाकर पुलिस कमिश्नर। सर, एक चीज़ और दिल्ली पुलिस ने बोली है सर अपने प्रेस नोट में कि ये जो शख्स है ये आम आदमी पार्टी का वर्क एक तरीके से एक सपोर्टर है और ये वहाँ पर पहुँचा हुआ था, भीड़ में मौजूद था, उस बिल्कुल पास मौजूद था तभी तो हुआ, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। ये पुलिस एकदम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी की पपट बन गई है दिल्ली पुलिस, इसलिए ऐसा विचार।